आज हम ये पीकॉक वाला जो डिज़ाइन है वो हम आज बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ये सब लिख कर रखा है, तो ये मैंने कलर का नेम है वो लिख के रखा है, क्योंकि जब हम वर्क करेंगे तो इसमें सोचना ना पड़े कि यहाँ पर कौन सा कलर डालना है और यहाँ पर कौन सा कलर डालना है, इसलिए मैंने ये कलर के नाम लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करना है, बड़ा करते करते यहाँ तक आना है और स्टिच को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अब हमने बिगिनर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाले हुए हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मैंने आगे बिगिनर के लिए स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देखें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा वीडियो देख सकें। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगनर है, अभी आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, तो आप स्टार्टिंग ऐसी पत्ती से करना, क्योंकि ये जो पत्ती है वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं लेती और हमारा जो स्टिच छोटा बड़ा करने वाला जो ब्रेक है वो भी हमारी प्रैक्टिस उसमें भी अच्छी हो जाती है। तो आप अगर एम्ब्रॉयडरी में अभी इतने परफेक्ट नहीं है, अभी अभी सीखना शुरू किया है, तो आप ऐसी पत्ती पर ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पत्ती जब आपको आ जाएगी, ब्रेक पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, फुट पेडल के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आप कोई भी डिज़ाइन आएगा तो वो इजीली कर पाओगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही समझने जैसी बात है, क्योंकि ये जो हमने जो पीकॉक बनाया हुआ है उसको हम फिर किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कर्व है और यहाँ से भी कर्व है, तो हम इस पीकॉक को किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से यहाँ तक जाना है उसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरीके से फिलअप करती हूँ, तो पूरा ये एक सा दिखे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम को हम इस तरीके से सीधा ही पकड़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे जो डिजाइन है उसी हिसाब से हम फ्रेम को मूव करते करते ऊपर जाएंगे। और यहां पर आकर हम फ्रेम को थोड़ा सा मूव करेंगे। कितना मूव करना है, तो हमारी ये जो सुई है वो यहां पर सीधा सीधा जाए उतना हमें इसको मूव करना है। और हमें फिर स्टिच है वो भले ही हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है, हम जब वापस स्टार्ट करेंगे तो हमें
हमारा जो स्टिच है वो यहाँ से शुरू करना है। क्योंकि हम अभी बिगिनर से ही आगे बढ़े हैं, तो हम ये पूरा तो आप एक बार में इस तरीके से मूव नहीं कर पाओगे, तो हमें इतना थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा कर्व में लेना होगा। वापिस वही करेंगे, यहाँ पर हमें जितना कर्व ले सकते हम ट्राई करना ही है। जब हमारा डिजाइन इस तरीके से बिगड़ने लगे तभी हमें मशीन को स्टॉप कर देना है और वापिस से स्टार्ट करना है। यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद हम इस तरीके से वापिस नीचे आएंगे। हमें जिस भी तरीके से कन्वीनियंट लगे हमें उसी तरीके से फिलअप करना है। बस याद ये रखना है कि हमारा ये जो हम डिजाइन फिलअप कर रहे हैं वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। कैसा लगा आपको ये डिजाइन मेरा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्ते का जो हमारा काप पे हम जो डिजाइन करते हैं इस तरीके का, उसको हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।